दोस्तों काम विकार का सिर्फ मनुष्य पर ही बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जीव जंतु और कीड़े मकोड़ों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम छोटे जीव जंतुओं का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि उन पर काम विकार का बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे तितली को ही ले लीजिए। इसकी कहानी बड़ी ही विचित्र है। इसके सुंदर सुंदर रंग रंगीले पंख जो हमें दिखाई देते हैं, ये इसे शुरू से ही प्राप्त नहीं होते, ये आपको भी पता है। ये शुरुआत में कुछ मास यानी कि रोमावृत अवस्था में रहती है और उसके बाद ये 1-1.5 साल चमकते हुए एक कीड़े की अवस्था में होती है। बाद में यह पेड़ की छाल के नीचे या किसी दीवार की दरार में रेशम के कीड़े की तरह एक खोल बनाकर बस जाती है। तभी से सुंदर और अद्भुत नमूनेदार पर प्राप्त होते हैं और यह डाल डाल पर मंडराने लगती है। और जब यह चुपचाप शांत स्वभाव से कहीं पड़ी होती है तो नर तितली मीलों दूर होने पर भी अपनी सूंघने की शक्ति से मालूम कर लेता है कि मादा तितली कहाँ है। इसके बाद होता यह है कि पहले संभोग करने के बाद ही नर तितली की मृत्यु हो जाती है। मादा भी सैकड़ों अंडे देकर मौत को प्राप्त हो जाती है। देखिए तो काम भोग के परिणाम कितने घातक हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों हमने जो तितली की मौत के बारे में जो कुछ कहा वह और भी जीव जंतुओं पर लागू होता है। वैज्ञानिक जीव वेताओं ने ऐसी कई चींटियां तथा मकोड़े का उल्लेख किया है जिनके नर गर्भ स्थापन करने की क्रिया करते ही वे मर जाते हैं। मकड़े के बारे में भी यही बताया गया है कि वह संभोग के बाद मर जाता है। शहद की मक्खी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। जब मधुमक्खी को रानी संयोग के लिए आकाश में उड़ती है तो नर मक्खी उसके पीछे पीछे उड़ती जाती है। जब नर मक्खी इस रानी मक्खी से मिलती है तो मिलने के बाद तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार के रिसर्च से ये पता चलता है कि कीड़े मकोड़े तथा छोटे जीव जंतुओं में भी संतान उत्पत्ति की क्रिया का संबंध उनकी मौत से जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, जैसे जैसे हम बड़े प्राणियों का निरीक्षण करते हैं वैसे वैसे हमें ये पता होता है कि उनके इस कार्य की वजह से उनकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन यह काम उन्हें मृत्यु की ओर जरूर ले जाता है। काम भावना का हर कर्म मौत की ओर बढ़ता हुआ कदम है। जलचर मछलियां, नभचर पक्षियां और थलचर पशुओं का निसंदेह काम का बहुत घातक ही प्रभाव पड़ता है। पक्षियों के वह मधुर गीत और वह नाच नहीं रहते, उनके पंखों की सुंदरता रंगों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मछलियां इसके बाद दुर्बल और क्षीण होती जाती हैं और घोड़े और बैल इत्यादि की कहानी तो आपको पता ही है। इसका इंसानों पर ही नहीं, इसका हर जीव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि काम भावना इंसान को दुर्बल करती है। जो अधूरे खोखले इंसान है जिनके बस की नहीं इस चीज का पालन करना, वो इस चीज को गलत ही साबित करते हैं। लेकिन उन पर साबित कभी हो नहीं पाएगा और ना ही कोई इसे साबित कर सकता कि ये ब्रह्मचर्य गलत है। अगर लगे शेयर करने लायक तो वीडियो को कामुक और गंदे इंसानों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं और आपकी वजह से लोगों की लाइफ भी बदल रही है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।